हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स क्लास सिक्स की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक को देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, गांव का प्रशासन देख चुके थे। अब इसमें बात करना है हमें नगर प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? नगर प्रशासन के बारे में। ठीक है, याद रखिए आप लोग, आपके जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर होंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे एक जगह ही। वो है आपकी एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है इसी में डले हुए हैं। ठीक है, ये है नगर प्रशासन, 7वां चैप्टर है। नगर प्रशासन एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहरों की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजार में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि आप एक कहानी की तरह पढ़िए, ठीक है, बुक्स को सुनिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है कि अगर दोबारा आप लोग सुन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना नॉर्मल भाषा में दिया गया है, ठीक है, बहुत ही सरल। एतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाने के आउट ना होने से शंकर हताश हो चुका था हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा कि रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तब पाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट माने जाओगे। तीनों ने तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को जब कुछ सब कुछ बताया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाया कि यस्मीन खाला से पूछना चाहिए, बेहाल ही में नगर निगम में से सेवानिवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उस गली में रहती थी और माला की माँ ने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको आप नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करते हैं। याद रखिए ये निगम के काम है, नगर निगम के। ठीक है, माँ बोली हाँ। माला बोली हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, या बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है
उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? याद रखिए यही हैं, यही आपके नगर निगम के कार्य, ठीक? कौन से? सड़कें बनवाना, बाजारों की सफाई करना, सड़कों और बाजारों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, कूड़ा कूड़ा इकट्ठा करवाना, रोशनी की व्यवस्था करना है, ठीक है? यही नगर निगम के कार्य हैं, नगर पालिका। फिर बात करते हैं निर्गम, निगम परिषद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। निगम परिषद, यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर नगर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जब पार्षद निर्वाचित होते हैं तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने वाला विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, एक खाला ने बोला, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े बड़े तेजी से अपनी कबाब खा ली। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे, यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था।
चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती हैं और आसपास कुत्ते चूहों का जमावाड़ा हो जाता है। लोग इनको बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यह डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे रहने से। ठीक, बात करते हैं या कुछ दीजिएगी तो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठित करती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह कर अधिक देता है। ठीक है, याद रखिए कोई भी हो हर आदमी कर देता है। कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, कोई डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई भरता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि इनडायरेक्ट वो टैक्स होता है जो आप साबुन पे दे रहे हैं या सब्जी कोई वो कर रहे हैं, कोई मसाला खरीद रहे हैं, ठीक है, चीनी कोई भी ले रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह का सामान, तो उस पर टैक्स लगता है। वो सभी देते हैं चाहे फिर गरीबी हो या अमीर हो। बात करते हैं हम आगे लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपने बात जारी रखी। मोहल्ला की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने के लिए मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी कि इससे कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने बाढ़ के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतों घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकला और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। ये कचरे का पुनर्चक्रण कर रहा है, ठीक है, फिर दिख रही। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्क से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने का की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर में गईं। आयुक्त पूरी समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तबाक से बोला, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाके से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त को का तो मुंह ही बंद हो गया और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त कुछ चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई, रिहाना ने झट से पूछा। तो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी, 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया
जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया हुआ है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। इसका निजीकरण कहते हैं इसे, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? निजीकरण। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन्हें मजदूरी मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करना करने वाला कोई नहीं होता। एक क्वेश्चन है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? तो याद रखना है जो सफाई कूड़ा करकट था उसी के लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन लगाते रहिए। यह तो बिल्कुल बम्बरिया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई खासी इज्जत थी, लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया, जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाने ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल, और घर पर अभी जो दो कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हमें खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसे ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया, टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें जल्दी जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में सूरत में एक भयंकर प्लेग फैला। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नालियों में फेंक या सड़कों पर फेंक देते थे। जैसे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखा जाता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा है, ठीक है? ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप अभ्यास आपको क्वेश्चंस लगाना है कि आपने जितना पढ़ा है उनके आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं, आपने किस तरह कहानी सुनी है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और देखते रहिए। वैसे भी मैंने टेलीग्राम पर इसको डाल दिया है, ठीक है, कक्षा छठवीं की जो आपकी NCERT की बुक्स है इसे डाल दिया है। याद रखिए क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है भी नहीं है, बहुत सीधी सादी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक, तो इसे पढ़ लीजिए, एक दो बार सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। और यही बता रहा है कि गांव में आपकी कैसी पंचायत होती है, नगर निगम का क्या कार्य है। देखा है आपने, बहुत ही सरल शब्दों में बताया जा रहा है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एक दो बार सुनिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक, और एक आध बार अपने आप से पढ़ लीजिए।